गांधी के रक्षक बख्तर मियां खान के नाम को मुस्लिम मनुवादी व्यवस्था ने दिया दबाए। सुनिए मैनेजर इम्तियाज अहमद की जुबानी। खबरें आज भी के लिए जावेद बिन अली की रिपोर्ट। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के मशहूर गांव पखनपुरा में मौजूद हूं। एसएम नेशनल मस्टी इंटर कॉलेज के प्रबंधक इम्तियाज अहमद, जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपका निगाह बहुत तेज रहती है, हर सियासी या सामाजिक या अदबी इन तमाम मरहलों पे आपके अच्छे निगाह रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के हथियारे गोडसे को सब लोग जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को चंपारण में जब जहर दिया जाने की साजिश रची गई थी, उस वक्त खामसामा बत्तख मियां अंसारी ने उनको जहर न देकर बचाया और उनके नाम को कम लोग जानते हैं, उससे क्या वजूहात हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जावेद साहब शुक्रिया, आपने जो टॉपिक दिया, जहाँ तक मेरे समझ काम करती है कि यह हमारे मनोव्यवस्था की सोच का द्योतक है। हम इस मुल्क में कन्वर्टेड मुस्लिम हुए, लेकिन हमारे जहन से दिलो दिमाग से ब्राह्मण ठाकुर और अपर कास्ट लोअर कास्ट का फर्क नहीं गया, और उसी मनोव्यवस्था की सोच का नतीजा है कि बत्तख मियां एक अंसारी बिरादरी में जन्मे, अंग्रेजों के खानसामा थे। जब पंचारण में आज़ादी की लड़ाई के समय अंग्रेजों ने उनको दबाव बनाया, पहले तो खरीदने की कोशिश की, उन्होंने ऑफर ठुकराया और फिर नहीं माने तो उनको लालच दी गई, दबाव दिया गया, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन मुल्क की वफादारी और गांधी के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा और सोच ने अंतरात्मा को झकझोरा और बत्तख मियां ने यह बात गांधी जी को बताया कि आज खाने में आपको जहर दिया जाएगा, लहजा आप उस खाने को ना खाएं। गांधी जी ने बत्तख मियां की बातों का यकीन किया और वो परहेज किए, इस बात से उनकी जान बच गई। हम सब देशवासी उनके शुक्रगुजार हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान बत्तख मियां ने बचाई, और हर मुस्लिम इस मुल्क का हमेशा से मुल्क का वफादार रहा है, रहेगा, वक्त पड़ने पे अपना सब कुछ निछावर करेगा। और एक आम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि फासिस्टवादी ताकतों के कुप्रचार को करारा जवाब देते हुए आगे भी आप मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए कोशिश